कोरोना वायरस के देश की अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस बात से कोई भी दूर नहीं। और सबको ये बात पता है कि कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग रहा है। सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लग रहा है। कुछ दिनों पहले देश के सभी सांसदों को 2 साल तक मिलने वाली सांसद निधि में कटौती हो गई थी कि 2 साल तक सांसद निधि नहीं मिलेगी। और इसके अलावा सभी नेताओं ने 30% अपनी सैलरी में कट लिया था। अब इसका जो सैलरी कट वाला हिस्सा है वो केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर आ गया है, और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं है। हालांकि ऐसा होना था, इससे भी ज़्यादा होने की उम्मीद थी। ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद एक एक महीने की सैलरी पीएम केयर फंड में ले ली जाए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। खैर अभी वहां तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन यहां तक बात पहुंच चुकी है कि जो जनवरी 2020 में सरकार ने डीए बढ़ाया था 4% पेंशनर का और सभी एम्प्लॉयज का, उसको होल्ड पे रख दिया है और अभी वो किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई 2020 में मिलने वाला डीए भी इस साल नहीं मिलेगा और वो भी होल्ड पे रहेगा। और जुलाई 2020 का डीए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस बात की भी कोई पक्की जानकारी नहीं है। इसके अलावा जनवरी 2020 का डीए भी, जनवरी 2021 का डीए भी अब दूर की बात है। अब जो अगला डीए हाइक मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो 2021 में मिलेगा, और जनवरी 2020 का जो 4% था वो भी तक जाकर जुलाई 2021 में मिलेगा। और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का मिलेगा या नहीं इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं, और इसके मिलने की बहुत बेहद कम उम्मीद है। तो कुल मिलाकर अगले 1 से 1.5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की या पेंशनर की कोई भी सैलरी में वृद्धि नहीं होगी। जो सैलरी अभी है वही अगले 1.5 साल तक रहेगी, चाहे कोई पेंशनर हो चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि शायद सरकार हर एक केंद्रीय कर्मचारी के विभाग से, चाहे कोई भी हो, उनसे हर महीने एक दिन की सैलरी पीएम केयर फंड में जमा करने के लिए बोल सकती है। और पीएम केयर फंड में जब सरकार बोलेगी तो किसी के पास ऑप्शन नहीं रहता कि वो ना करे, सबको जमा करनी ही पड़ती है। शायद उनकी सैलरी पहले से ही एक दिन की कट गया है। तो ऐसी भी उम्मीद आने वाले वक्त में आपको ये फैसला दिखाई दे अगर लॉकडाउन 3 तारीख से और आगे बढ़ जाता है कि हर साल साल के 12 दिन, 15 दिन या 20 दिन तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो अपनी सैलरी है वो पीएम केयर फंड में देंगे। जब सांसदों से सैलरी कट की शुरुआत हुई थी तो तभी पूरी उम्मीद थी कि अब केंद्रीय कर्मचारियों का नंबर आने वाला है, क्योंकि सांसदों ने पहले अपनी सैलरी में 30% का कट इसीलिए लिया था ताकि वो देश को बता सके कि हमसे शुरुआत हुई है, हम कोई सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की कटौती नहीं कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सी राज्य सरकारें भी कटौती कर रही हैं। केरल ने तो 1 महीने तक कटौती की है, तो देखने वाली बात होगी। प्राइवेट वालों की तो पहले से ही कटौती चल रही थी, अब नंबर सरकारी वालों का भी लग गया है। देखना होगा ये कट, सैलरी कट कहाँ पर जाकर रुकता है, सिर्फ ये पर ही बात रुक जाती है या फिर साल के 12 दिन या 20 दिन की सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर को पीएम केयर फंड में देनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।